नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा अमेजिंग असाइनमेंट में स्वागत है। आज का हमारा अमेजिंग असाइनमेंट बेटा व्याकरण से संबंधित विषय है। क्या है? संज्ञा। क्या है बेटा? संज्ञा। ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं, संज्ञा विषय के बारे में क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। उसी से संबंधित छोटा सा यहाँ पर असाइनमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या है आपको करना, क्या है? हाँ, उससे पहले आपको यह मालूम होना कि संज्ञा कितने भेद है? तीन भेद है, पता है ना? तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो हम यहाँ क्या करना है, कोष्ठक में दी गई संज्ञा को वाक्य में रेखांकित करो। तो हमें कोष्ठक में यहाँ तीन प्रकार के संज्ञाएं यहाँ आपको दिखाई दे रही है। हम क्या करना है, एक एक वाक्य पढ़ना है और उसके आगे जो कोष्ठक है उससे संबंधित संज्ञा को हम यहाँ रेखांकित करना है, रेखांकित अंडरलाइन करेंगे। तैयार है बच्चों? चलो आ जाइए। पहला शब्द क्या है, पहला वाक्य क्या है? अशोक पुस्तक पढ़ रहा है। अशोक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पूछा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। एक्चुअली यहाँ पर दो संज्ञा शब्द है, एक अशोक है और पुस्तक है। मैं यहीं पर आपको क्लैरिटी देता हूँ। और अशोक एक व्यक्ति का नाम है। हाँ, मनुष्य, बच्चा, लड़का, ये सभी क्या होते हैं? जातिवाचक आते हैं। लेकिन उनको पर्टिकुलरली हम नाम दिए हैं, क्या है? अशोक। तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन हमें पूछा क्या है? जातिवाचक। तो अशोक नहीं है। और देखिए कौन सा शब्द है, हाँ पुस्तक। क्या बेटा? पुस्तक। पुस्तक बहुत सारे पुस्तक हो सकते हैं ना, तो इसीलिए वो कोई भी किताब हो सकती है। तो वह किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए हम पुस्तक शब्द को यहाँ पर रेखांकित किए, क्योंकि पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। याद है, समझ में आया ना? राइट। अब नेक्स्ट देखिए, सरिता ने कविता सुनाई। सरिता ने कविता सुनाई, इसमें भी दो है, लेकिन हमें क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, ऊपर जातिवाचक संज्ञा को हम रेखांकित किए हैं, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? सरिता और कविता, ये दोनों क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। लेकिन ये जो कविता है ये लड़की का नाम नहीं है। कविता हम किसे कहते हैं? पोयम। पोयम कैसे? वो किसी प्रकार की कविता हो सकती है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है और पर्टिकुलरली जो सुनाई, कौन? सरिता। ये सरिता क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें प्रश्न किया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ में आया ना? देखिए सरिता शब्द पर मैं रेखांकित किया हूं, ठीक है? अब तीसरा देखिए, उसके गीतों में मिठास थी। उसके गीतों में मिठास थी, भाववाचक संज्ञा। हाँ, ये भी मैं क्लैरिटी देता हूँ, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों को हम अपने हाथ से छू सकते हैं, समझ बेटा? लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम एहसास करते, वी विल फील, ओके, फिजिकली वी कैन नॉट टच। जैसे एग्जांपल देखिए, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को हम पकड़ सकते हैं, वो मिठाई है, लेकिन उसकी जो मिठास, उसमें जो स्वीटनेस है, हम केवल फील हो के आहा कितना अच्छा है बताएंगे, लेकिन उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को हम किसमें लेते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है बेटा? तो यहां पर क्या है, उसके गीतों में मिठास थी। गीत भी क्या है, हम जो लिखते हैं, हाँ गीत लिखते हैं, हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है बेटा? लेकिन वो जो गा रहा है कैसा गा रहा है? उसके गीतों में मिठास थी, मधुरता, मिठास यानी स्वीटनेस, उसको हम केवल एहसास करते हैं। तो इसीलिए मिठास क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? वह हैदराबाद में रहता है। वह हैदराबाद में रहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है केवल राम, सीता, ऐसे समझते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी प्रकार के आएंगे, जैसे व्यक्ति,
वस्तु स्थान। ठीक है बेटा, कोई मैं कि ये शहर जा रहा हूं ऐसा बताए तो शहर कौन सा शहर है पता नहीं, तो ऐसे शहर क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पर्टिकुलरली मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हैदराबाद जा रहा हूं, हैदराबाद, हैदराबाद केवल एक ही है भारत में, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, वह हैदराबाद में रहता है, क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ में आया ना। चलो हैदराबाद के नीचे रेखांकित करें, हो गया। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, क्या बचे जातिवाचक संज्ञा, उसमें कितने हैं, बाकी पूरा क्रिया शब्द है, कुत्ता एक ही क्या है संज्ञा शब्द है, फिर हम क्या समझते हैं पशु जातिवाचक संज्ञा, फिर ये कुत्ता एक प्रकार का है ना सर, व्यक्तिवाचक में लेते ना, नहीं सभी कुत्तों को हम कुत्ता ही कहते, आपके घर में रखकर अगर से कुत्ते का नाम जिम्मी रखे वो जिम्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, मेरे घर में कुत्ता है उसका नाम मैं टॉमी रखा वो क्या होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन कुत्ता जो शब्द है वो पूरे कुत्ते की जो जाति है उसे संबोधित करता है, अंडरस्टूड बेटा, तो इसीलिए कुत्ता क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, समझ में, तो कुत्ता शब्द को हम रेखांकित किए। तो इस तरह से आज हम संज्ञा से संबंधित उसके भेदों को समझ लिए है, ठीक है बेटा। दूसरे असाइनमेंट में मैं आपके सामने दूसरे व्याकरण विषय से संबंधित एक असाइनमेंट के साथ मैं आपके साथ रहूंगा, जब तक धन्यवाद बच्चों।